काम का सेशन हुआ है, मतलब चेस्ट और बाइसेप्स वाला, जिसमें कि मैंने जो टोटल कैलोरीज बर्न करी है 1623 कैलोरीज बर्न करी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? मुझे लगता है आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का बढ़िया होना हमारी वीडियोस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, सुबह की स्टार्ट कर रहे हैं हम एक शानदार कॉफ़ी से, अपनी बालकनी में खड़े होके कॉफ़ी पीते हैं। और एज रेगुलरली आपको पता है कि हमारा कट चल रहा है, और कट करने के लिए मॉर्निंग कार्डियो, एम्प्टी स्टमक कार्डियो इज़ मस्ट। तो एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने जा रहे हैं अभी जिम, और आज हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैलोरीज आई एम बर्निंग। जैसे कि इट डिपेंड्स करता है, वैसे तो मैं रोज़ ही कैलकुलेट करता हूँ, बट डिपेंड करता है वर्कआउट टू वर्कआउट। जैसे लेग्स का वर्कआउट जिस दिन होता है उस दिन कैलरीज ज़्यादा बर्न होती है, जिस दिन चेस्ट का होता है उस दिन कैलरीज कम बर्न होती हैं। तो आज चेस्ट हेड है, तो मैं देखता हूँ कि चेस्ट में मैं कितनी छोटी मसल में, मतलब चेस्ट इतनी बड़ी मसल नहीं है जैसे कि बैक और लेग्स हो गई, तो मैं कितनी कैलरीज बर्न कर पाता हूँ। आज मेरा चेस्ट और बाइसेप्स है, सुबह कार्डियो है, एब्स है, तो देखते हैं टोटल कैलरीज कितनी बर्न कर रहा हूँ। और टोटल कैलरीज मैं जो कंज्यूम कर रहा हूँ आज की डेट में वो अराउंड 2200 कैलरीज, जिसमें कि 220 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है और 230 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, जिसमें कि फैट्स, फाइबर्स, ये सब चीज़ें फुलफिल्ड हैं। तो इन्जॉय करते हैं कॉफ़ी को और व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आप सभी को न्यू ईयर सबसे पहले, तो ये वाली बात। और इस साल का मेरा टारगेट भी है यार कि मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, रेगुलरली अपलोड, मुझे ये वाली चीज़ में फ्रीक्वेंट होना है बहुत ज़्यादा। लेट मी एंजॉय माई कॉफ़ी एंड मिलते हैं आपको जिम में। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपनी कैलोरीज पूरे दिन की कैलकुलेट करूँगा, और यहाँ पे अपना सारे दिन कैलकुलेट करके आज आपको दिन के एंड में बताऊंगा कि कितनी कैलोरीज टोटली बर्न हुई मेरी आज। तो स्टार्ट करते हैं अभी फटाफट, एब्स लाऊंगा, 3 एक्सरसाइज एब्स की एंड 40-45 मिनट्स कार्डियो करेंगे, ठीक है? चलो भाई शुरू हो जाओ, दिखाऊंगा नहीं तो दिखाना क्या है, कार्डियो में क्या दिखाऊँ। कार्डियो आपको जो पसंद है एम्प्टी स्टमक करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमेशा ही, बट रिजल्ट्स हमेशा स्लो होते हैं, और ये बॉडी बिल्डिंग है तो थोड़ा सा आराम से ही करो। सो गाइस, दोपहर के बज चुके हैं 2 और अभी तक हमने बर्न करी है 719 कैलोरीज, मतलब टोटल कैलोरीज इससे 100-150 ज्यादा ही होंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ ये अभी एक्टिव कैलोरीज है, टोटल कैलोरीज नहीं है। तो अभी 2 बज चुके हैं और फर्स्ट मील का टाइम हो गया। ये है मेरी ओट्स मील, 110 ग्राम्स ऑफ ओट्स, ये ऊपर नीचे होता रहता है जिस हिसाब से मेरे को कैलरीज मैक्रोस अपने कैलकुलेट करने होते हैं, वो मैं कर लेता हूँ। तो अभी तक सुबह, मतलब मैं मॉर्निंग कार्डियो कर ख़त्म करके आया था घर पे 1 बजे, और अब मैंने तो अब मील वील खा रहा हूँ अपनी, फिर क्लास लूँगा, क्लास लेके काम करूँगा, काम वाम करके फिर सेकेंड मील, ऐसे करके फिर शाम को जाएंगे अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं चेस्ट एंड बाइसेप्स। तो फिलहाल करते हैं और चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें एक ऐसा इफेक्ट आ गया भाई, क्लास चल रही है, फुल कंबल ओढ़ के भाई, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा और नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त। एक तो कट के टाइम की दिक्कत यही है, आप खाना कम खाते हो और नींद ज़्यादा आती है। पापा की भी आवाज़ आ गई, पढ़ाई कर ले पढ़ाई, नींद आ रही है भाई, घंटा समझ नहीं आ रहा क्लास में क्या हो रहा है। हाँ जी, तो गाइस रात के बज चुके हैं 9 और अब जा रहे हैं हम जिम। अभी तक घड़ी में देख रहे हो आप 804 कैलोरीज हो चुकी हैं, और देखते हैं अब टोटल कितनी कैलोरीज बर्न करेंगे। इसके बाद चलते हैं जिम फटाफट, वर्कआउट शुरू करते हैं और लेट्स सी। हाँ, वार्म अप के लिए थोड़ा सा कार्डियो शुरू किया है, थोड़ी देर कार्डियो करेंगे, मतलब 10-12 मिनट वार्म अप के लिए, क्योंकि भाई सर्दियाँ हो रही है,
तो जल्दी से वार्म अप होता है नहीं, तो थोड़ा सा कार्डियो कर लो ना 5-10 मिनट, तो बॉडी थोड़ी गर्म हो जाती है, फिर उसके बाद वर्कआउट करने में मज़ा भी आता है। सो वर्कआउट स्टार्ट करने का टाइम आ गया, वार्म अप हो चुका है और कैलरीज भी चालू कर दी हैं, टोटल कैलरीज। तो अभी किस वाले सेशन में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कितनी कैलरीज रिकॉर्ड करते हैं, और गाने चल रहे तो थोड़ा सा वॉइस का देखना पड़ेगा हम क्या करेंगे, बट चलो सेशन तो रिकॉर्ड करो आप। चेस्ट सेशन the first set 40 kg मैक्सिमाइजिंग नंबर 40 kg से मैक्स डंबल है और पहला सेट ही 40 kg से मारा है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मेरे पास एक्स्ट्रा हेवी वेट्स नहीं है तो 40 kg से कंटिन्यू करूँगा, मतलब 40 के 4 सेट और हर सेट को ड्रॉप डाल दूँगा, मतलब 2 सेट ड्रॉप्स 3 सेट ड्रॉप्स, जैसे कि 40 से डायरेक्ट 22 पे आया, ऐसे ही उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हार्ड कोर ड्रॉप्स डाल दूंगा जिससे कि वो एक्सरसाइज इफेक्टिव बन जाए, जबकि मैंने 40 से 12 रैप निकाल दिए थे। तो लास्ट सेट सर्दी हो रही है भाई, दोबारा जरा बॉडी को कवर कर लिया जाए, स्वेटर में बॉडी छुप ही जाती है बिल्कुल, पता ही नहीं लगता कि अंदर कुछ है भी या नहीं है, और कोई नहीं यार बार पड़े उससे पहले तो पहन ही दो। हाँ बॉडी कोई बॉडी नहीं है।
अब चेस्ट तो खत्म हो गई है, अब थोड़ी बाइसेप्स करेंगे, चार एक्सरसाइज। तो बाइसेप्स देखो आप फटाफट। और यार बॉडी हो गई ठंडी, मतलब क्योंकि मैंने जैसे स्वेटर उतारा ना तो इतना ठंड हो रहा है, 9 डिग्री 10 डिग्री चल रहा है। तो वर्कआउट करता रहूँगा, कैलोरीज बर्न हो रही है बढ़िया, बट बॉडी ठंडी हो जाती है। तो बाइसेप्स लगाते हैं, और अभी तक मैंने बर्न करी हैं समथिंग अराउंड अबाउट 1200 कैलोरीज के आसपास। ओह कहाँ गया वेंचुत, यहाँ कुछ 1200 कैलोरीज बर्न है, टोटल दिखाऊंगा बाद में। तो बाइसेप्स लगाते हैं, बाकी तो पंप देख लो। रात के 12 बजने वाले हैं, तो ये रीसेट हो जाएगी, इसलिए पहले आपको कैलोरीज दिखा लूँ। मेरा 2.5 घंटे का शाम का सेशन हुआ है, मतलब चेस्ट और ट्राइसेप बाइसेप्स वाला, जिसमें कि मैंने जो टोटल कैलोरीज बर्न करी है 1623 कैलोरीज बर्न करी हैं अभी तक, जिसमें एक एक्सरसाइज बची हुई है।
तो मान लो 50-60 कैलोरीज और बर्न हो जाएंगी। और इन टोटल जो कैलोरीज बर्न हुई हैं, ये टोटल टोटल कैलोरीज नहीं है, ये एक्टिव कैलोरीज है, वो है 2216, यानी कि 2216 टोटल कैलोरीज। मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी टोटल कैलोरीज बर्न कितनी हुई हैं। वेंचर चल जा। अरे चूतिया भाई, एप्पल भी चूतिया हो जाता है कभी कभार। सो गाइज, आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा और टोटल कैलोरीज बर्न हुई थी 2300 अराउंड अबाउट, जो कि एक्टिव कैलोरीज थी। टोटल नहीं, एक्टिव कैलोरीज थी। टोटल कैलोरीज 2500 के आसपास बर्न हुई थी। मतलब टोटल कैलोरीज में रेस्ट भी काउंट होता है, इन द सेंस कि रेस्ट में भी जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि सिर्फ आप वर्कआउट करते हुए कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो, आप रेस्ट करते हुए भी कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो क्योंकि हार्ट बीट तेज होती है। तो भाई टोटल कैलोरीज 2500 बर्न हुई थी और मैं खा 2200 रहा हूँ, तो इसलिए लीन हो रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि खा कम रहा हूँ, बर्न ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ऐसे वर्कआउट करके, यानी कि दो टाइम वर्कआउट करके हम लोग इतनी कैलोरीज बर्न कर पाते हैं कि सुबह के सेशन में 1000 कैलोरीज बर्न कर ली, शाम के सेशन में 1000-1200-1300 कैलोरीज बर्न कर ली। बट इन दी एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमेशा ज़्यादा कैलोरीज ही बर्न होती हैं। सुबह के सेशन में देखा था आपने, मैंने 800-900 कैलोरीज बर्न करी थी, जिसमें कि 400-500 कार्डियो की कैलोरीज थी, 150-200 के आसपास एब्स करते हुए जो कैलोरीज बर्न हुई उतनी थी। उसके बाद शाम के सेशन में मैंने मेरी चेस्ट में 1000 कैलोरीज बर्न हो गई थी, क्योंकि ड्रॉप सेट्स हो गए, हैवी सेट्स हो गई, इन सब में सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो ये हो गया। फिर बाइसेप्स की एक्सरसाइज थी, फिर 10 मिनट मैंने जिम करने, मतलब वर्कआउट शुरू करने से पहले मैंने 10-12 मिनट वो भी करी थी, ट्रेडमिल भी करी थी, थोड़ा सा कार्डियो, उसमें भी 100-150। तो ऐसे कर करके 2200 कैलोरीज बर्न होती हैं। और उसके बाद फिर छोटी मोटी जो हम पूरा दिन वर्क करते हैं उसमें भी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो गाइस, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। और ऐसे कैलोरीज बर्न करने वाली वीडियोस आपको चाहिए हो तो मुझे बताना, हम दोबारा अपलोड करेंगे। और मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, बी फिट विद प्रांजल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।